हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आज हम बात करेंगे फ्रेट डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स को लेके। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो उन लोकोमोटिव्स के बारे में जो स्पेशली मालगाड़ी को पुल करने के लिए बिल्ड किए गए हैं। बट इंडियन रेलवेज में आप सबने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि ऐसा बहुत कम बार देखने को मिला होगा कि पैसेंजर डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स किसी फ्रेट ट्रेन को पुल कर रहे होंगे। बट ये बहुत कॉमन है कि फ्रेट डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स किसी पैसेंजर ट्रेन को पुल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पैसेंजर डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम फ्रेट डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट डेज में कौन कौन से इंजिन्स इंडियन रेलवेज की सर्विस में हैं। पहले तो ये कि कैसे पता लगाएं कि ये गुड्स लोकोमोटिव है, तो अगर WDG हो या WAG, इसमें जी का मतलब होता है गुड्स ट्रेन डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स। तो चलिए जानते हैं उन इंजिन्स के बारे में। तो फर्स्ट है WDG2, जो अब WDG3A के नाम से जाना जाता है। ये लोकोमोटिव 1994 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया था। इसकी प्रोडक्शन 1994 से 2015 तक हुई और टोटल 1164 के अराउंड यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। कुछ यूनिट्स डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स और पारेल वर्कशॉप ने भी बिल्ड किया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ये 3100 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। इनके कुछ निकनेम्स भी हैं, जैसे कि शक्ति, प्रबल और जय जवान। इस लोकोमोटिव्स के शेड पुणे, कल्याण, कुर्ला, आंदल, पतरातू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर, विशाखापट्टनम, लुधियाना, लखनऊ, झांसी, गोंडा, मालदा टाउन, गुवाहाटी, आबू रोड, ईरोड, एर्नाकुलम, गोल्डन रॉक, तांदियारपेट, काजीपेट, गुटी, गुंतकल, मौला अली, खड़गपुर, बोकारो स्टील सिटी, रायपुर, कृष्णराजपुरम, रतलाम, वातवा और न्यू कटनी जंक्शन में है। और प्रेजेंटली 1124 WDG3A लोकोमोटिव्स सर्विस में है। 2018 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और RDSO ने एक WDG3A को पूरे इलेक्ट्रिक लोको में कन्वर्ट किया, जो 10,000 हॉर्स पावर का है, जो WAG-C3 के नाम से जाना जाता है। अभी तक एक ही यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, जो SER जोन के बोंदामुंडा शेड में है। नेक्स्ट सेकेंड है WDG4, जो एक EMD लोकोमोटिव है। इसे 1997 में जनरल मोटर्स इलेक्ट्रोमोटिव डीजल ने इंडियन रेलवेज के लिए बनाया था। इसकी प्रोडक्शन 1997 से 1999 तक इलेक्ट्रोमोटिव डीजल ने की और फिर 2002 से 2017 तक डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसका एक वेरिएंट भी है WDG4D। अभी तक टोटल 1188 WDG4 और 583 WDG4D लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस हुए हैं। WDG4 की मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और ये 4000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, और WDG4D की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ये 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। 2012 में DLW वाराणसी ने RDSO की मदद से WDG4 को मॉडिफाई करके WDG5 बनाया और अगले 5 साल में सिर्फ 7 यूनिट्स बने, जो 5500 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव हैं। WDG4 और WDG4D के शेड्स पुणे, कल्याण, आंदल, जमालपुर, पतरातू, विशाखापट्टनम, तुगलकाबाद, लुधियाना, लखनऊ, झांसी, गोंडा, इज्जतनगर, न्यू गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, भगत की कोठी, आबू रोड, ईरोड, गोल्डन रॉक, काजीपेट, गुटी, बोंदामुंडा, रायपुर, कृष्णराजपुरम, हुबली, साबरमती, इटारसी और न्यू कटनी जंक्शन में है। और प्रेजेंटली 1748 WDG4 और WDG4D लोकोमोटिव्स सर्विस में है। 2018 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और RDSO ने एक WDG4 को न्यू क्लास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कन्वर्ट किया, जो 12,000 हॉर्स पावर का है और WAG-11 के नाम से जाना जाता है। ये अभी भी RDSO के ट्रायल्स में है और सिर्फ 3 यूनिट्स अब तक प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट थर्ड है WDG4G। इसकी प्रोडक्शन 2017 से अभी तक हो रही है और टोटल 191 के अराउंड यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरहावरा इसकी प्रोडक्शन करती है। इंडियन रेलवेज का ये अभी तक का मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और ये 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। इस लोकोमोटिव का शेड अभी सिर्फ रोजा में है और प्रेजेंटली 191 WDG4G लोकोमोटिव्स सर्विस में है। नेक्स्ट फोर्थ है WDG5, जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और RDSO ने मिलकर 2012 में प्रोड्यूस किया था। इसकी प्रोडक्शन 2012 से 2017 तक हुई और टोटल 7 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। इसकी मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और ये 5500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। इसका निकनेम है भीम। इस लोकोमोटिव के शेड गुटी और साबरमती में है और प्रेजेंटली 7 WDG5 लोकोमोटिव सर्विस में है। नेक्स्ट फिफ्थ है WAG5,
जो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 1978 में बिल्ड किया था। इस लोकोमोटिव की प्रोडक्शन 1978 से 1998 तक हुई है। इसके वेरिएंट से WAG 5, 5A, 5HA, 5B, 5HB। टोटल 1196 यूनिट्स के अराउंड लोकोमोटिव्स प्रोड्यूस हुए थे। WAG 5B की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, WAG 5A की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है और WAG 5 की मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है। ये 4300 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। इसका निकनेम है कृष्णावेनी। इस लोकोमोटिव्स के शेड भुसावल, आसनसोल, विशाखापट्टनम, झांसी, अरक्कोनम, इरोड, विजयवाड़ा, बोंदामुंडा, वलसाड, रतलाम, वातवा, इटारसी और न्यू कटनी जंक्शन में है और प्रेजेंटली 1073 WAG 5, 5A और 5B लोकोमोटिव्स सर्विस में है। नेक्स्ट सिक्स्थ है WAG 7, जो 1992 में भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया था और इसकी प्रोडक्शन 1992 से 2015 तक हुई है और टोटल 1970 यूनिट्स के अराउंड प्रोड्यूस हुए हैं। इसका एक वेरिएंट है WAG 7H। इस लोकोमोटिव को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है पर इसे 110 किलोमीटर पर आवर पे ही रन किया जाता है। ये 5040 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। इसके कुछ निकनेम्स हैं जैसे कि शांतिदान, एकता, करमवीर, गजराज, स्वर्ण आभा, सर्वोत्तम, समर्पण, कावेरी, सम्राट, प्रयास और अग्रसर। इस लोकोमोटिव के शेड कल्याण, अजनी, कानपुर, झांसी, भिलाई, लुधियाना, खानालमपुरा, गुंतकल, विजयवाड़ा, काजीपेट, टाटानगर, बोंदामुंडा, खड़गपुर, बोकारो स्टील सिटी, आसनसोल, न्यू कटनी जंक्शन, गोंडा, गोमो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वलसाड, इरोड और अंगुल में है और प्रेजेंटली 1959 वैग 7 लोकोमोटिव्स सर्विस में है। नेक्स्ट सेवेंथ है WAG 9, जो 1998 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया था। इसकी प्रोडक्शन 1998 से प्रेजेंट टाइम तक हो रही है और टोटल 1821 के अराउंड यूनिट प्रोड्यूस हो चुके हैं। इस लोकोमोटिव्स को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्क्स भुसावल, भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी एक वेरिएंट भी है WAG 9H। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और ये 6122 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। इसके कुछ निकनेम्स है जैसे कि नवयुग, नवज्योति, नवदिशा, नवशक्ति, नवोदय, नवासा, नवघन शक्ति, डॉक्टर सिल्वर, नवशतक, नव प्रगति, नवशक्ति नवीन, अशोक और कविगुरु। इस लोकोमोटिव के शेड्स अजनी, भुसावल, कल्याण, विशाखापट्टनम, गोमो, बरौनी, कानपुर, लुधियाना, खानालमपुरा, गुटी, काजीपेट, लालगुड़ा, भिलाई, बोंदामुंडा, टाटानगर, बोकारो स्टील सिटी, राउरकेला, न्यू कटनी जंक्शन, तुगलकाबाद और बर्धमान में है और प्रेजेंटली 1821 WAG 9 और 9H लोकोमोटिव्स सर्विस में। 2019 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने पहला 9000 हॉर्स पावर वाला WAG 9 लोकोमोटिव बनाया जिसको WAG 9HH के नाम से जाना गया। नेक्स्ट 8 है WAG 11, जो 2018 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने बनाया है और ये 2019 में सर्विस में आया। इसकी प्रोडक्शन 2018 से अभी तक हो रही है और टोटल 3 WAG 11 प्रोड्यूस हो चुके हैं। WAG 11 की मैक्सिमम स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और ये 12000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। इसे WAG C4 के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकोमोटिव्स अभी भी ट्रायल्स में हैं। इन लोकोमोटिव्स के शेड तुगलकाबाद और बोंदामुंडा में हैं और करेंटली तीनों WAG 11 ट्रायल्स में हैं। नेक्स्ट 9th है WAG 12, जो 2017 में ऑलस्टॉम ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधुपुरा में बनाया है। इसकी प्रोडक्शन 2017 से प्रेजेंट टाइम तक हो रही है। टोटल 8 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और ये 12000 हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव है। ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फ्रेट लोकोमोटिव इन वर्ल्ड भी है। ये एक ट्विन परमानेंटली कनेक्टेड लोकोमोटिव है और इसके शेड सहारनपुर में है। नेक्स्ट 10th है WCAG 1, जो एक डुअल पावर ACDC सीरीज लोकोमोटिव है। इसे 1999 में भरत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बनाया था। इसकी प्रोडक्शन 1999 से 2000 तक हुई और टोटल 12 लोकोमोटिव प्रोड्यूस हुए। ये स्पेशली वेस्टर्न रेलवेज ने नासिक पुणे घाट सेक्शंस के लिए बनाया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड AC और DC दोनों कंडीशन में 100 किलोमीटर पर आवर है
और ये डीसी सीरीज में 4600 हॉर्स पावर और एसी सीरीज में 5000 हॉर्स पावर जनरेट करता है। इस लोकोमोटिव का शेड कल्याण में है और प्रेजेंटली 12WCAG1 लोकोमोटिव सर्विस में है। तो दोस्तों ये थे हमारे फ्रेट डेडिकेटेड लोकोमोटिव्स ऑफ इंडिया जो अभी भी इंडियन रेलवेज की सर्विस में है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कोई गलती हुई होगी या मैंने किसी चीज़ को मिस कर दिया होगा तो उसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जो मिक्स लोकोमोटिव्स पे होगी उसका इंतज़ार करिए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।